वेलकम बैक योर चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर। और आज के क्वेश्चन में हम करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि y इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2 है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों हमें चैन रूल अप्लाई करना है। ये हम पहले क्या करेंगे, d ओवर dx किसका करेंगे, log का, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2। उसके बाद फिर d ओवर dx, अभी हमने किसका किया है बच्चों, अभी हमने 10 log के लिए किया है डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर जो फंक्शन है वो 10 है, 10 का करेंगे d ओवर dx 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2 और इन टू में। अब हमारा देखो log के लिए भी हो गया है और 10 के लिए भी हो गया। अब जो इसके अंदर फंक्शन है एक और, उसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स और पाई वाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसको हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों लोग x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन x होता है, बट यहाँ पे अब x के रिप्लेस कर दिया गया 10 से, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इन टू में 10 का। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 10 का होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर, और x के प्लेस पर जो भी है वो आ जाएगा यहाँ पे, जो कि पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2 है, और इन टू में करेंगे पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0 और x बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 होती है और 2 ऐसे ही रहेगा इन टू में। ये जो हमारा 10 है, इस 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू कोट कोट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इन टू में। जो sec स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2 और इन टू में हमारा 1 बाय 2 ऐसे ही रहेगा। cot को मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2, भाई cot को मैं लिख सकता हूं cos अपॉन sin, तो अपॉन में sin पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2 इन टू 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इन टू 1 अपॉन 2। यहां से बच्चों हम ये देखिए cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और ये cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 सेम है, तो इस पूरे से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और ये दोनों सेम टर्म है। तो फाइनली हमारा ये बचेगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में इसको आगे ले आया मैं, और 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2 और इन टू में कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों, कौन सा फॉर्मूला बना देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इन टू कोस थीटा, तो ये हमारा 2 साइन थीटा इन टू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इन टू कोस थीटा हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 इन टू थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसमें इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2 की मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये 2 पाई अपॉन 4 प्लस 2 एक्स अपॉन 2, ये 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। और भाई साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो यहाँ 90 हो गया और थीटा के प्लेस पर एक्स है, तो मैं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स को लिखूंगा कोस एक्स, और 1 अपॉन कोस होता है बच्चों आपका सेक एक्स। तो फाइनली आंसर हमारा कितना हो गया, सेक एक्स। बच्चों वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ एक शॉर्ट मेथड से, इसके और भी बहुत सारे मेथड है, आप अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा। धन्यवाद।